हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नित के 15 स्मॉल वर्ल्ड। आज मैं एक कुकिंग रिलेटेड वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ जलफाई अचार की रेसिपी। जलफाई को इंग्लिश में इंडियन ऑलिव और वाइल्ड ऑलिव भी बोलते हैं। बंगाली में इसको जलपाई और कड़क्का और कड़ा मलयालम में कहते हैं। ये एक टैंगी विंटर सीजनल फ्रूट है। हम लोग इस फ्रूट को कच्चा भी खाते हैं नमक और मिर्च लगा के। जिन लोगों को खट्टा खाना पसंद है वो लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं। जलफाई या इंडियन ऑलिव से धनिया पुदीना चटनी भी अच्छे बनते हैं। आलू पिटिका या फिर आलू चोखा इससे भी बहुत अच्छे बनते हैं। इवन हम लोग फिश करी में भी इसको डालते हैं और खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज मैं इस जलफाई या फिर इंडियन ऑलिव से एक स्पाइसी अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। तो फिर चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस अचार के लिए मुझे क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने जलफाई या इंडियन ऑलिव्स लिया है, अच्छी तरीके से मैंने धो के रख दिया है। फिर मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची लिया है। मसाले में मैंने लिया है राय 1.5 टीस्पून, फिर लिया है जीरा 1 टीस्पून लिया है, धनिया लिया है 2 टीस्पून, सौंफ भी 2 टीस्पून लिया है, कलौंजी लिया है 1/2 टीस्पून और मेथी के दाने लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। यहाँ पे लिया है मैंने अजवाइन जो लिया है मैंने 1.5 टीस्पून। यहाँ पे लिया है मस्टर्ड सीड्स वो मैंने लिया है 1 टीस्पून। यहाँ पे लिया है ड्राइड रेड चिली वो मैंने 9-10 लिया है। फिर मुझे चाहिए नमक, मिर्ची और हल्दी। पहले इस जलफाई को या फिर इस ऑलिव्स को मैं लंबा लंबा 4-5 कट कर लूँगी इस तरीके से, और सारे ऑलिव्स को नमक वाले पानी में उबाल लूँगी। इसका कलर चेंज हो गया है, ये बॉईल हो चुका है। अब इसको एक चन्नी में ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये ठंडा हो चुका है, अब इसमें मैं अगेन 2 चम्मच नमक और हल्दी डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अब इस हरी मिर्चियों को भी 2-3 टुकड़ों में बीच में कट कर लूँगी। अब इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके 2 दिन धूप में रख देंगे ताकि जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं प्रिपेयर करूँगी मसाला। तो मैं सारे मसाले को एक पैन में ड्राई रोस्ट करूँगी जिससे कि एक एरोमा रिलीज होता है और अगर मॉइस्चर भी रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर मैं इसको दरदरा पीस लूँगी। ये देखिए, कढ़ाई पे मस्टर्ड ऑयल लूँगी। अब ऑयल को गर्म कर लूँगी। ऑयल जब स्मोकी हॉट हो जाएगा तो फ्लेम ऑफ। ऑयल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा प्रिपेयर्ड मसाला को मैं वहाँ पे ऐड करके मिक्स कर लूँगी। एरोमा जब रिलीज होने लगेगा उस टाइम में मैं फिर से फ्लेम ऑन कर लूँगी और फ्लेम में लो हीट में रखूँगी। अब यहाँ पे ऐड करूँगी सॉल्ट, हल्दी और रेड चिली पाउडर। इसको भी मिक्स करके जो मेरा इंडियन ऑलिव्स है और जो मैंने काट के रख दिया था हरी मिर्ची, दोनों को ऐड करके अच्छी तरीके से मैं मिला लूँगी। फिर गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा। अचार ठंडा हो जाने के बाद मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करूँगी और ये देखिए मेरा इंडियन ऑलिव अचार रेडी है। फ्रेंड्स, यही है मेरा जलफाई अचार या इंडियन पिकल की रेसिपी। कैसा लगा प्लीज़ बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलना। एंड आप लोग इंडियन ऑलिव को और क्या क्या बोलते हो कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे चैनल को अगर किसी ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड गुड बाय। लव यू ऑल माई फ्रेंड्स।